नमस्कार, मैं शबीना शेख सिद्दीकी और हमारे कार्यक्रम धर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की। दीपावली से पहले अखंड सौभाग्य की कामना से देश में करवा चौथ का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म का यह प्रमुख त्यौहार है। देश में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा अधिकांश हिंदी भाषी राज्यों की सुहागिन महिलाएं इस त्यौहार को मनाती हैं। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व पर सौभाग्यशाली यानी सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद अपना व्रत शुरू करती हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद इनका यह अखंड व्रत पूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र भगवान श्री गणेश की अर्चना की जाती है, साथ ही चंद्रमा की भी पूजा अर्चना कर उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाता है। चंद्रमा से महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती। निराहार और निर्जल रहकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करने का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती है। इस व्रत की यह विशेषता है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो सकती है। सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं, वे यह व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। देश में वैसे तो चौथ माता के कई मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। यह त्यौहार दीपावली से 11 दिन पहले आता है। इस त्यौहार का महत्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत अधिक है। खंडवा शहर में SW24 न्यूज़ चैनल की टीम ने करवा चौथ के त्यौहार को लेकर दुकानदारों से लेकर खरीदारी करने आ रही महिलाओं के विचारों को जाना। दुकानदार महिला गिरजाबाई ने बताया कि करवा चौथ के त्यौहार से 4-5 दिन पहले ही करवों और इसकी पूजन सामग्री की खरीदारी शुरू हो जाती है। त्यौहार तक सभी बनाए करवों की बिक्री हो जाती है। गिरजाबाई ये तो करवा चौथ के 4-5 रोज पहले से बिकता है। हाँ, कितना मतलब बिक जाता है? हमारा तो करीबन 2000 कमे बिक जाते हैं। हाँ, ये मतलब आप जितना बनाते हो उतना पूरा निकल जाता है, बचता है? बिक जाता है, सब पूरा बिक जाता है। हाँ, इसमें हर बार आप डिजाइन में चेंज करते हैं? हाँ, कलर अलग अलग करते हैं, डिजाइन भी अलग अलग बनाते हैं। ऐसा तो इसके अलावा और क्या क्या सामग्री बिकती है? करवा बिकता है, सुहाग पूरा बिकता है इसके साथ में, और अपनी करवा चौथ की किताब बिकती है, पोस्टर बिकता है और चलनी बिकती है, ये सभी सामग्री। वही रेट में बिक रहे हैं, वही रेट में जो साल पे बिके थे ना, वही रेट में ही साल भी बिक रहे हैं। तो इस बार आपको माहौल ये कोरोना के कारण कुछ कमजोर लग रहा है या कि इसमें नहीं पड़ेगा? इसमें कुछ नहीं है, इसमें वही रहता है, उपास सभी महिलाएं रहती है, भले ही वो कोरोना हो कि नहीं भी हो। ऐसा चलो ठीक है, आपको एक बार और बता दीजिए। गिरजा भाई, महिलाओं ने बताया कि पहले और अब में त्यौहार को लेकर काफी बदलाव आ गया है। मेरा तृप्ति खंडेलवाल। जी ये खास तो रहता है, हम हमारे पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं और इस दिन सभी औरतें फुल
सिंगार में रहती है, 16 सिंगार में। और बस इस पिछले कुछ सालों में करवा चौथ का जो त्यौहार, इसमें जो इसमें कुछ चेंज आया है क्या? बहुत काफ़ी चेंज आ रही है, बिल्कुल चेंज आया है, सभी सामग्री एक तो महंगी हो गई है कोरोना के वजह से, और जैसी भीड़ होना चाहिए वैसी भीड़ नहीं है, माहौल नहीं लग रहा ना, माहौल नहीं है वैसा। तो कितने दिन पहले से? 4 दिन पहले से तैयारी चालू, 4-5 दिन पहले से तैयारी हो, भीड़ लगी रहती है, उमंग रहता है, तैयारी क्या लगी रहता है, अच्छा लगता है। पर अभी ऐसा कोई उत्साह इतना लग नहीं रहा ना कोरोना के वजह से, इतने भीड़ मार्केट में। अभी केवल 2 दिन बचे हैं, आज कल का दिन है, कल का उत्साह नहीं हो रही है, मतलब लग नहीं रहा ना ऐसा मार्केट में। माल भी सभी के पास जैसा वैसा ही दिख रहा है और महंगा भी बहुत है, महंगा बहुत है, ये 20 रुपए की 30 रुपए में दे रहे हैं, अब बताओ क्या करे, अब उनको भी तो पढ़ना चाहिए, वो भी क्या करेंगे, कर पे ओनली 20-30 रुपए में दे रहे हैं, साड़ी की दुकान पे साड़ियाँ महंगी हो गई है, क्या करेंगे, क्या लेंगे आपको साड़ियों की चिंता, आपको तो करना रहता है, नहीं वो तो वो तो पति और दिलाते पर फिर भी बोलते ना महंगी हो गई है, और क्या 1000 रुपये में कर लो अब तुम्हारा काम। पहले सामान्य करवे मिला करते थे और अब डिजाइनर के साथ रंग रोगन किए करवों की बिक्री होती है, महंगाई का असर इस त्यौहार पर भी नजर आने लगा है। खंडवा के घंटाघर से कैमरामैन सिराज खान के साथ ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। आज हमने बात की करवा चौथ की, इसी तरह मैं हाजिर होती रहूंगी अपने धर्म कार्यक्रम में अन्य विषय के साथ। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।